रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। हिमाचल का हमीरपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी के चलते हमीरपुर बस स्टैंड पर लोगों और यात्रियों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है। लगभग 15 दिनों से बस स्टैंड पर पानी की किल्लत बनी हुई है। बस स्टैंड पर पानी का कूलर और हैंडपम्प शो पीस बनकर रह गए हैं। बस स्टैंड से लॉन्ग रूट की दिल्ली, कुल्लू, मनाली, चंबा, शिमला, देहरादून, अन्य कई बसें जाती हैं, लेकिन उन यात्रियों को भी पानी खरीद कर ही पीना पड़ रहा है। हिमाचल का हमीरपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के चलते हमीरपुर बस स्टैंड पर लोगों और यात्रियों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है। लगभग 15 दिनों से बस स्टैंड पर पानी की किल्लत बनी हुई है। बस स्टैंड पर पानी का कूलर और हैंडपम्प 100 पीस ही बनकर रह गए हैं। बस स्टैंड से लॉन्ग रूट की दिल्ली, कुल्लू, मनाली, चंबा, शिमला, देहरादून, अन्य की बसें जाती हैं, लेकिन उन यात्रियों को भी पानी खरीद कर ही पीना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बस स्टैंड के सामने दर्जनों दुकानें बनी हुई हैं। ये लोग भी सुबह शाम हैंडपंप और कूलर से ही पीने का पानी लेते थे, लेकिन अब उनको भी अन्य जगह जाकर पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वही मदन लाल ने बताया कि इतने दिनों से हमीरपुर बस स्टैंड में पानी नहीं आ रहा है। विभाग को भी कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, किसी को भी कोई परवाह ही नहीं है, चाहे किसी को पानी मिले या ना मिले। ये आज तक इसने किसी की गौरी नहीं की है, कोई परवाह नहीं है इस पानी के बारे में। किसी को बताया भी जाए तो बोलते ऊपर बताओ, जाकर आगे बताओ, हमारे लेवल की बात नहीं है। लेकिन कोई सुधार नहीं है, अधिकारी बैठे हुए हैं, इसके बारे में तो यही उचित है कि कुछ नहीं कहना, सहन करते जाओ। वही निर्मला देवी ने बताया कि बस स्टैंड हमीरपुर में पानी की इतनी किल्लत बनी हुई है कि पानी खरीद कर ही पीना पड़ रहा है। मेरा नाम निर्मला देवी है, मैं धंगड़ी से आई, तब मैं पानी पीने के लिए गई, वहाँ पानी नहीं है, अड्डे पे पानी नहीं मिल रहा है, हम बाहर से पानी लेके खरीद के पानी पी रहे हैं, बोतल बाहर से मुल्ले ले आ देता पानी पी रहे हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा है। पानी समस्या कई दिनों से चल रही है, हैंडपम्प दोनों खराब पड़े हुए हैं, उधर भी एक अभी चला, उसमें साफ पानी नहीं आ रहा है। सारे सबको परेशानी बाहर से खरीदना पड़ रही है, दुकानों से ले रहे हैं पानी।